हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं कर रही हूँ ये मेकअप लुक तो एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी मैं, इसमें बेसिकली बता रही हूँ कि आपको बेस कैसे लगाना चाहिए जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है या स्पॉट्स है। और मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूंगी कि आप अवॉइड करिए मेकअप करना अगर आपके एक्ने पिंपल्स है, फेस को छोड़ दीजिए, उसके हाल पे हील होने दीजिए। बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना है तभी मेकअप करिए, वरना प्लीज मेकअप मत लगाइए एक्ने प्रोन स्किन में, उसे छोड़ दीजिए। और मुझे ये एक्ने पिंपल्स किसी एलर्जिक रिएक्शन से हो गए थे जो अभी आपको आगे दिख जाएगा। अभी तो मैंने मेकअप कर लिया है और अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए चलिए। सो लेट्स बिगिन। सो यू कैन सी माय फेस, मेरे बहुत ज्यादा एक्ने हो रखे हैं, छोटे छोटे जो घमोरी जैसे होते हैं, यहाँ पे काफी सारे लाल निशान भी हैं, स्पॉट्स रह गए हैं, दाने भी हो रखे हैं बहुत सारे छोटे, यहाँ भी है और चिन पे भी है मेरे, यहाँ पे पस वाले दाने भी हो रखे हैं, इस साइड भी है, मेरे फोरहेड पे भी दाने हैं और इस साइड भी काफी सारे दाने हो रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई आइस ऑन माय फेस। आइस लगाने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो रहता ही है, और पहले के टाइम पे मतलब बहुत डेकेड्स पहले आइस ट्रीटमेंट ही करा जाता था। जब भी एक्ने पिंपल्स हो जाते थे तो ड्राई आइस फेस पे लगाई जाती थी ताकि एक्ने थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। जो ये रेडनेस हो रही है, जलन हो रही है, इचिंग होती है एक्ने पिंपल्स की वजह से, वो भी कंट्रोल में रहे। और आइस लगाने से आपके पोर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं। मैं आजकल डेली सुबह में उठने के बाद जैसे पानी से मुंह धोती हूँ और उसके बाद एक आइस क्यूब रब कर रही हूँ, तो मुझे पोर्स भी थोड़े से कम दिख रहे हैं। जो मेरी नाक के अराउंड इस साइड जो मेरे पोर्स है छोटे छोटे, काफ़ी लोगों के होते हैं, तो वो भी थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं। तो आप आइस डेली लगा सकते हैं। मैंने जब आइस क्यूब अपने फेस पे रब करा था उससे एक घंटे पहले ही मैंने फेस वॉश और टोनर लगा लिया था। और जब भी आप मेकअप करते हैं तो कम से कम आधे घंटे का या एक घंटे का टाइम गैप होना चाहिए मेकअप और फेस वॉश में। अब इसके बाद मेरे जहां पर भी एक्ने पिंपल्स हैं मैं वहां पर ये क्लिंडामाइसिन जेल लगा रही हूँ। मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे भी बताया था कि जब भी मेरे एक्ने हो जाते हैं, एक आधा एक्ने निकल जाता है तब मैं ये लगाती हूँ। तो अगर आपको काफी एक्ने है, आपको मेकअप करना है, तो आप इस जेल को लगा सकते हैं जहां पे भी आपके एक्ने पिंपल्स है। और फिर इसको लगाने के बाद मतलब 10-15 मिनट्स के बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने इस जेल को पहले बस प्लेस कर दिया है जहां पे भी मेरे दाने हैं, जो भी दाने पिंपल्स हो रखे हैं, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा उसी जगह पे ऐसे करके रब कर रही हूँ। और ऐसा करने के 10-15 मिनट्स के बाद ही आपको अपना मेकअप करना है, थोड़ा सा इसे टाइम दीजिए। और इस क्लिंडामाइसिन जेल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये बैक्टीरिया को फैलने नहीं देगा और बैक्टीरिया आपके फेस से दूर भी रहेगा। और ऐसा ही एक जेल आता है एक्ने स्टार करके आता है, उसमें भी क्लिंडामाइसिन होता है, तो जिसमें भी क्लिंडामाइसिन है, जो भी जेल आपको मिले मार्केट में, तो आप वो यूज कर सकते हो। और इसमें है 1% क्लिंडामाइसिन। अब ये जेल थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो मैं अपना मॉइस्चराइजर लगा लूंगी। मैं ये प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर है, ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा है ये। और मॉइस्चराइजर स्किप मत करेगा, अगर आपके एक्ने पिंपल्स है तब भी मत करेगा, क्योंकि आपके स्किन का पीएच लेवल बना रहना चाहिए, वो बिगड़ सकता है। तो मॉइस्चराइजर भी जरूर लगाइए, स्किन ज्यादा ड्राई भी हो सकती है जिनकी ड्राई स्किन है, या फिर जिनकी ऑयली स्किन है वो ज्यादा ऑयल भी प्रोड्यूस कर सकती है अगर आप मॉइस्चराइजर स्किप करेंगे। इस मॉइस्चराइजर को बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही हार्शली आप इसे रब मत करिएगा, वरना आपके एक्ने पिंपल्स पे लग सकती है, दर्द हो सकता है और फैल सकते हैं, और उसके बाद फूट भी सकते हैं। जो पिंपल्स होते हैं, पस वाले दाने जो हो जाते हैं, वो फूट भी सकते हैं, फिर उसमें से जो बैक्टीरिया निकलता है वो और फैल सकता है। तो बहुत ही हल्के हाथों से आप अपना मॉइस्चराइजर लगाइएगा या जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अभी दिन का टाइम हो रहा है तो मैं सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप शाम में मेकअप कर रहे हैं या आपको पार्टी में जाना है तो आप सनस्क्रीन अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लोटस का SPF 50 वाला जेल सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा है, मैटिफाइंग सनस्क्रीन है, कोई ऐसा चिपचिपाहट नहीं लगता है फेस पे, काफी पसंद है ये मुझे, और सन प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा देता है। तो इसको भी मैं बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस पे रब करूंगी, बहुत ही हार्शली रब नहीं करना है, मैं बहुत ही कम प्रेशर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू अप्लाई अ प्राइमर। प्राइमर के बारे में मैं काफी बता चुकी हूँ, और ये मेबलिन का बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर प्राइमर है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है पर काफी अच्छा प्राइमर है ये,
पोर्स इससे ब्लर हो जाते हैं और अगर आपको ये प्राइमर यूज नहीं करना है तो आप कलबा का प्राइमर ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों की क्वालिटी काफ़ी हद तक सेम है, तो मैं थोड़ा सा प्राइमर अपनी फिंगर्स पे ले रही हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है मैंने, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही कम है, ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए इतना दिख नहीं रहा। इसको भी मैं बहुत ही हल्के हाथों से रब कर रही हूँ, मैं सिर्फ फिंगर्स का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा रब नहीं करना है। और शायद आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि मेरा फेस थोड़ा सा मैटिफाइड लग रहा है। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस ग्रीन कलर करेक्टर फ्रॉम मैक्स फैक्टर, और ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है वैसे, पर मुझे ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है मेरी स्किन टोन के हिसाब से। फेयर स्किन टोन पे ये तो ठीक लगेगा, पर हमारे वार्म अंडरटोन्स होते हैं, येलो अंडरटोन्स होते हैं, तो शायद इतना ठीक ना लगे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग दिस। तो थोड़ा सा वाइटिश लग रहा है, पर है ये ग्रीन, स्क्रीन पे ये थोड़ा वाइट लग रहा है, पर मेरे ख्याल से ये काम करेगा, तो मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। तो जहाँ पे भी मेरी रेडनेस है मैं वहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ। तो जो हमारा ग्रीन कलर करेक्टर होता है वो रेडनेस को काटता है, और जो ऑरेंज कलर करेक्टर होता है तो वो आपकी पिगमेंटेशन को काटता है, जैसे आपके डार्क सर्कल्स होते हैं या माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, तो उसमें ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करा जाता है, और ग्रीन कलर करेक्टर रेडनेस के लिए होता है। तो मुझे इस साइड काफ़ी ज़्यादा रेडनेस है, वहाँ पे मैंने इसे यूज़ करा है। अब मैं ये एले कल प्रो का ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज़ कर रही हूँ, तो जहाँ पे भी मेरी पिगमेंटेशन हो रही है, जैसे मेरे अंडर आइज एरिया में थोड़े से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और माउथ के अराउंड भी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, ये ज़्यादा निकल गया है, तो मैंने अपनी फिंगर्स पे इसे ले लिया है थोड़ा सा, और बस मैं अपनी आइज के नीचे थोड़ा सा इसे यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर, और मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो इसे यूज़ कर लेते हैं, और माउथ के अराउंड भी थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो रही है मुझे, तो यहाँ पे भी इसे यूज़ कर लेंगे। और नोज़ के अराउंड हमारा जो ये एरिया होता है यहाँ पे भी थोड़ी सी डार्कनेस लगती है, तो यहाँ भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है तो यहाँ भी इसे यूज कर लिया है मैंने। जो भी मैंने कलर करेक्टर यूज करा है इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूंगी, और आपका ब्यूटी ब्लेंडर गीला होना चाहिए, इसे गीला कर लीजिए, फिर स्क्वीज करिए, सारा जो भी एक्सेसिव वाटर है उसे निकाल लीजिए और तब इसे यूज करिए, तभी आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा। ये नहीं कि आलस के चक्कर में ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर लिया, वरना आपका मेकअप ठीक से ब्लेंड नहीं हो पाएगा अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को गीला नहीं करेंगे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर को भी बहुत ही हल्के हाथों से फेस पे स्टिपल कर रही हूँ ताकि मेरे पिंपल्स पे ना लगे, और आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर करेक्टर ने बहुत ही अच्छे से मेरे फेस पे काम करा है, मेरी रेडनेस अब नहीं दिख रही है इससे, जो मुझे लग रहा था कि ये ग्रीन कलर करेक्टर मेरी स्किन टोन पे काम नहीं करेगा, पर ठीक ही लग रहा है, रेडनेस चली गई है। मैंने ऑलमोस्ट अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड कर लिया है, और सच्ची बताऊं तो मुझे मैक्स फैक्टर का कलर करेक्टर एले गर्ल प्रो से बेटर लगा, क्योंकि वो ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो गया, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो गया, ना मैंने ज़्यादा उधर स्टिपल करा, और इस ऑरेंज कलर करेक्टर को मैं काफ़ी टाइम से स्टिपल कर रही हूँ फेस पे, तो इसे ब्लेंड होने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक है जो एले गर्ल प्रो का कलर करेक्टर है। फाउंडेशन के लिए मैं ये फिटमी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं, सबको पसंद आता है ये, और इस पर लिखा है मैट एंड पोरलेस, तो इतना ज़्यादा तो मैटिफाइंग नहीं है, सेमी मैट फाउंडेशन है ये। मैंने फाउंडेशन अपने फेस पे लगा लिया है, और अब इसे ब्लेंड करने के लिए मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, पर ब्लेंड करने के बाद ये ठीक ही लगेगा, और मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करा है, और आप चाहे तो कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आप यूज़ करते हो, आपकी स्किन को सूट करता हो, और आपको फाउंडेशन भी थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, पर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरी नेक से अच्छे से मैच कर जाए, और अभी ये ब्लेंड होना बाकी है, तो ब्लेंड होने के बाद ये ठीक ही लगता है मेरे फेस पे। फाउंडेशन मैंने लगा लिया है, और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट 40 SPF अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसमें SPF भी है तो मुझे सन प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और ये मैट कॉम्पैक्ट है तो ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है,
और मैं इसे स्लाइडिंग मोशन में यूज नहीं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लगा रही हूँ। ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट निकल गया है तो मुझे ब्रश यूज करना पड़ेगा। अभी कबूकी ब्रश की हेल्प से जो भी मेरे फेस पे एक्सेसिव पाउडर है मैं उसे हटा रही हूँ, क्योंकि इस कॉम्पैक्ट में से काफी ज्यादा प्रोडक्ट निकल रहा था। मेरा फेस फ्लैट ना लगे इसलिए मैं ब्लश भी यूज कर रही हूँ। ये मेबलिन चीकी ग्लो का ब्लश है, द शेड नेम इज फ्रेश कोरल, और ये मैट ब्लश है, इसमें कोई भी स्पार्कल या शिमर्स नहीं है। मेरे पास जो भी बाकी के जो ब्लश है उन सब में कुछ शिमर्स या स्पार्कल्स है, तो मुझे मैटिफाइड लुक चाहिए था, इस वजह से मैं ये ब्लश यूज कर रही हूँ। और जब भी आप ब्लश लगाएंगे ना तो आप यहाँ पे अपनी चीक्स पे जब लगाते हैं तो सिर्फ इसी एरिया पे नहीं लगाना है, इसे यहाँ पे लगाते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करना है अपवर्ड मोशन में, ताकि ये बहुत नेचुरल लगे, वरना ऐसे लगेगा कि जैसे जोकर के यहाँ पे रेड लगा देते हैं, कुछ उस टाइप का लगेगा। आई शेडो के लिए मैं ये 40 कलर आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ, और इसमें से मैं ये मैट पीस शेड यूज करूंगी। मैं सिर्फ एक ही शेड यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारा मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारे फेस पे, मुझे आई मेकअप ज्यादा नहीं करना है। मैं ज्यादा आई शेडोज अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बस इसे ही अपनी पूरी आईलिड्स पे मैं लगा लूंगी। और ये सेम कलर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी यूज कर रही हूँ। पैलेट में यूज कर रही हूँ अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा डार्क ब्राउन शेड है, और थोड़ा सा मैं ब्लैक भी इसमें मिक्स करूंगी, और इन दोनों शेड्स को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी। और जब भी मैं ये दो कलर यूज करती हूँ, क्योंकि ये पाउडर है तो बहुत ही अच्छे से मेरी आईब्रोज फिल होती है, बहुत ज्यादा नेचुरल लगती है। पेंसिल से ज्यादा बेटर मुझे ये पाउडर यूज करना पसंद है, या कोई भी आई शेडो यूज करना पसंद है। और आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं एक एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ। पहले मैं इसे आउटलाइन कर रही हूँ, अपनी आईब्रोज को आप आउटलाइन कर लीजिए और उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। आगे की साइड जब आप अपनी आईब्रोज को फिल कर रहे होंगे तो वर्टिकली ब्रश को पकड़िएगा, वर्टिकल स्ट्रोक्स यूज करने हैं, क्योंकि आगे की साइड हमारे बाल इस तरीके से होते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरी दोनों आईब्रोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, और ये काफी अच्छे से फिल हो गई है इस आई शेडो से। मैंने लगभग अपना पूरा मेकअप कर लिया है, और लिपस्टिक के लिए मैं ये निक्स की थ्रोटल, मैं बहुत ही आराम से खोल रही हूँ क्योंकि ये टूटी हुई थी, तो ये निक्स की थ्रोटल मैट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, और शेड का नाम है अप द बेस। बहुत ही अच्छा रेड कलर है, ये बिल्कुल मैट लिपस्टिक है और ब्लीड नहीं होती है ये, और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो दिस इज द फाइनल लुक, एंड आई हैवंट अप्लाइड एनी हाइलाइटर। हाइलाइटर अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप हाइलाइटर लगाएंगे तो आपके एक्ने और ज्यादा चमकने लगेंगे। अगर आपके इस एरिया में एक्ने है तो जब वो शाइन करेगा यहाँ से तो आपके छोटे छोटे दाने भी दिखेंगे, तो अवॉइड ही करिए। और अगर आपको हाइलाइटर लगाना है तो आप अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, जो आपका ये आई का इनर कॉर्नर एरिया है वहां पे आप हाइलाइटर दोनों साइड लगा सकते हैं, या फिर अपनी आईब्रोज के नीचे लगा सकते हैं, अपनी जो ब्राउ बोन होती है वहां लगा सकते हैं। और मस्कारा भी मैंने नहीं लगाया है क्योंकि जो मैंने लैश एक्सटेंशंस करवाए थे वो थोड़े बहुत बाल अभी भी बाकी है, तो आप मस्कारा भी यूज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बिल्कुल फ्री है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, और आप मेरी वीडियो देख सको सबसे पहले। तो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।